हर जगह की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है, लेकिन इस जगह की जो खूबसूरती थी वो एक अलग ही निखार पैदा कर रही थी अपने ही अंदर। कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि भाई यार हम लोग जा रहे हैं नारायण वैली, और नारायण वैली से जा रहे हैं सीधा सैफल मलुक की तरफ। तो वो सारा का सारा जो शॉट था वो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ। चल बेटा तू आ जा। नमाज पढ़ने के लिए रुके थे हम लोग, व्यू चेक कर रहे हैं यहाँ से, वो पहाड़ों का व्यू चेक कर रहे हैं यार आप। हर जगह ही बहुत ही कोई आला किस्म की है, और चश्मे भी बह रहा था वो भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ से हमने वजू किया था चश्मे से, वो भी आ गई है यार सामने ही आ गया। तो ये चेक करें, फुल आबशार का पानी यहाँ से बह रहा है। नारायण पहुंच चुके हैं हम लोग, और हालत बहुत ख़राब लग रही होगी सब मेरी, और आपको एक व्यू दिखाता हूँ ज़रा होटल का। ये होटल का व्यू है हमारे, और वहाँ से सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और अपने कमरे का व्यू भी मैंने दिखा दिया, पूरा कमरा दिखाने से तरीके फैमिली बैठी है। कड़ाकेदार सर्दी है यहाँ पर, बहुत खतरनाक, बहुत सर्दी है। हाँ बंदा खड़ा था, वो कह रहा था आपको वो टिकाउट भी जान दे दूँ, पर पता नहीं कितना बता रहा आप लोग ये ना ये है। तो भाई जान आखिरी बात यह है कि वो जो सैफुल मलुक के जो सीन थे सारे के सारे, और जो रिवर शॉट हमने लिए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो बाकी सारा का सारा सीन आपने देख लिया, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।